दोस्तों आप देख रहे हैं डिजी भारत, मेरा नाम है सोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसे गैजेट लेकर आया हूँ जो कि उषा की तरफ से आने वाला एक मिक्सर ग्राइंडर है। मैं आपको बता दूं कि ये काफी कम प्राइस में आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो फीचर है वो आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। तो इसी मिक्सर ग्राइंडर के बारे में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं, इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, इसका लाइफ कैसा आपको देखने को मिलता है, या इसमें जो इतने भी ब्लेड दिए गए हैं वो किस तरह के हैं, इसमें कौन सा मोटर लगा हुआ है, ये सारा चीज आपको कंप्लीट इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास है उषा की तरफ से आने वाला एक मिक्सर ग्राइंडर जो कि आप देख रहे होंगे। अगर मैं इसकी बॉक्स पैकेजिंग की बात करूं तो इसकी जो बॉक्स पैकेजिंग है वो आपको काफी बेहतर देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड में आप देख रहे होंगे उषा की ब्रांडिंग लोगो आपको देखने को मिलता है, नीचे लिखा हुआ है स्पीड मास्टर और यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्सर ग्राइंडर। अगर उससे हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है परफेक्ट ग्राइंडिंग परफेक्ट कुकिंग। उसके नीचे यहाँ पे आपको कुछ की फीचर्स को हाईलाइट्स किया गया है, जैसे कि इसका जो मोटर है वो कॉपर मोटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में इसमें आपको टेक्नो ब्लेड भी देखने को मिलता है जो कि स्टेनलेस स्टील का है जो कि काफी मजबूत है। साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको फ्री होम सर्विस भी देखने को मिलता है। अगर आपका ये मिक्सर ग्राइंडर खराब हो जाता है तो आप अपने घर पे कॉल करके आप बुला सकते हैं सर्विस वाले को और आप रिपेयर करवा सकते हैं। उसके साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर का आपको एक इमेज देखने को मिलता है जो कि काफी प्यारा लग रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे काफी स्लिम है, ज्यादा चौड़ा नहीं है बल्कि नहीं है आप देख रहे होंगे। और इसके साथ हमें यहाँ पे तीन टैप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि तीन साइज में है अलग अलग। मैं आपको इसका वाट की बात करूँ तो आप ऊपर में लिखा हुआ देख रहे होंगे 500 वाट का है और 5 साल की वारंटी भी आपको इसके साथ देखने को मिल जाती है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है फूड ग्रेड जॉन्स ब्लेड जो कि आप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके साइड पैनल की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको कुछ और डिटेल्स देखने को मिलता है जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगर मैं इसके बैक साइड की बात करूं तो कुछ इस तरह के डिटेल आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो यहां पे आप देख रहे होंगे करीब 4000 के आसपास लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस दिन हमने इसको परचेज किया था ये हमें करीब 2200 में मिला है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं और हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर है वो किस तरह से है और कैसे काम करता है, सारा चीज आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया। अनबॉक्सिंग करने के बाद आप देख रहे होंगे बॉक्स के अंदर से हमें यहाँ पे सबसे पहले तो मिक्सर ग्राइंडर देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे जो तीन जार्स दिए गए थे जो कि मैंने आपको बताया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये अलग अलग साइज में आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एक आपको यूजर मैनुअल भी देखने को मिल रहा होगा जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब चलिए हम आपको सारे जार्स और जो मिक्सर ग्राइंडर है उसको हम प्लास्टिक से बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने इसको प्लास्टिक से बाहर निकाला तो आप देख रहे होंगे इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको काफी बेस्ट देखने को मिल रही होगी। पूरी तरह से प्लास्टिक का बना हुआ है ऊपर से जैसा कि आप देख रहे होंगे और इसकी जो कलर और इसकी जो क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक रोटर देखने को मिल जाता है जिससे कि आप इसका जो स्पीड है उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा जैसे जो भी आप सेट करना चाहते हैं इजीली सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी ब्लेड की बात करूं तो आप देख रहे होंगे इसमें आपको ब्लेड भी काफी बेहतर देखने को मिल जाती है। अब चलिए जो तीन जार्स दिए गए हैं उसको हम आपको दिखा देते हैं कि उसके अंदर जो ब्लेड दिया गया वो कैसा है। तो आप देख रहे होंगे उसके अंदर का जो ब्लेड है वो आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको चार ब्लेड एक जार के अंदर देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफी बेहतर देखने को मिलती है जिससे कि जो भी आप इसमें बनाइएगा या जो भी आप इसमें मिक्सिंग कीजिएगा वो काफी अच्छे से हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इसकी वायर की लेंथ की बात करूं तो इसमें करीब 1 मीटर का यहाँ पे आपको वायर देखने को मिल जाता है। वायर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और जो इसका जो सॉकेट है वो इंडियन सॉकेट है तो आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर मैं इस मिक्सर ग्राइंडर की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसमें फीचर्स भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको रीसेट बटन भी देखने को मिल जाता है, अगर कभी फंस गया या नहीं चालू हो रहा है तो आप रीसेट करके फिर से चालू कर सकते हैं। तो इस सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ बार बार कि अच्छी दी गई है और प्राइस रेंज भी इसका काफ़ी कम है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मात्र आप 2200 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके इसका जो करंट प्राइस है उसको आप देख सकते हैं कि कितने प्राइस पर अभी मिल रहा है और अगर इस प्राइस रेंज के आसपास मिलता है 2500 के आसपास तो आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा इस उषा की तरफ से आने वाला मिक्सर ग्राइंडर का अनबॉक्सिंग या रिव्यू वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। मैंने आपको यहां पे दिखा दिया कि इसमें किस तरह के ब्लेड दिए गए हैं, किस तरह के मोटर दिए गए हैं, इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, सारा चीज़ मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो अगर आपको इतने प्राइस में जो मैंने आपको बताया करीब 2200 के आस
आसपास अगर आपको मिलता है, मैंने लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके यहाँ पे करंट प्राइस को चेकआउट कर सकते हैं अमेजन पे। अगर आपको 2,250 के आसपास मिलता है तो आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।